पहले अटेंडेंस लेते हैं आपकी, फिर बात करते हैं। आयुषी चौधरी प्रेजेंट सर। हीर पटेल सर। अतुल्य जोसेफ प्रेजेंट सर। हर्ष गामित प्रेजेंट सर। टीशा रामी प्रेजेंट सर। अनूप चौधरी, कोमल चौधरी, मैत्री पंचोली, शुभने, करीना चौधरी प्रेजेंट सर, वत्सल, कृषा भक्ता, हेतवी पटेल प्रेजेंट सर, धीरज, भुवनेश्वरी, पलक चौधरी प्रेजेंट सर, दीप गामित, नंद पटेल, निसर, कर्णवी, ख्याति प्रेजेंट सर, प्रियांक, शिव मिस्त्री प्रेजेंट, हेत चौधरी, शिवम टेलर, भाविनी पटेल प्रेजेंट सर, रित चौधरी, भावेश गामित, यश गांगुड़े प्रेजेंट सर, हर्ष पटेल, कृष्णा गामित प्रेजेंट सर, रिया परमार प्रेजेंट सर, हर्ष वाघमारे। चलो कोई रहता है अटेंडेंस में? एक एक करके बोलो। चौधरी शुभना है। चौधरी शुभना है, ओके। नेक्स्ट मैत्री पंचोली। नेक्स्ट अनूप चौधरी। अनूप चौधरी। नेक्स्ट चौधरी कोमल। चौधरी कोमल। कोमल आप कल भी आए थे? यस सर। कल आपकी अटेंडेंस क्यों रह गई थी फिर? सर मैं लेट आई थी इसलिए। ओके चलो और कोई रह गया तो बताओ। भुवनेश्वरी पावागढ़ी। भुवनेश्वरी पावागढ़ी, ओके। एनीबडी एल्स? ख्याति चौधरी। ख्याति भी आ गई? यस सर। ओके और किसी का अटेंडेंस रहता है तो बता दो। ऑल डन। मेरा क्या खटीवाल। नाम बताओ बेटा। निसर्ग पंचाल। निसर्ग पंचाल, हाँ निसर्ग पंचाल, ओके। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। अच्छा आप लोगों ने सबने सिलेबस देख लिया था ना, जो आपका एग्जाम आने वाला है उसका सिलेबस सबने देख लिया है? अरे कोई हाँ ना तो बोलो। एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से ग्रुप में रखा था मैंने देखा। यस सर मैंने देखा। तो उसमें फिजिक्स के कितने चैप्टर रखे उन्होंने सिलेबस में, किसी ने वेरीफाई किया था फिजिक्स के कितने चैप्टर है सिलेबस में? अभी जो आपका एग्जाम आ रहा है उसमें कितने चैप्टर रखे हैं, देखे थे आपने ग्रुप में? सर उसमें सिर्फ 12 चैप्टर ही है। 12 मतलब इलेक्ट्रिसिटी? यस। ठीक है चलो, फिजिक्स का एक ही चैप्टर है ना, मतलब आप लोग अच्छे से कर लोगे ना एक चैप्टर तो मेरे ख्याल से अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। यस सर। बहुत बढ़िया से है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स में कोई दिक्कत। और हमारे दो चैप्टर्स हो गए,
उसके बाद आप लोगों ने मेरे को बताया था कि सर हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी बायो वाली मैडम ने पढ़ा दिया है ना, ऐसा ही बोला था ना आपने? तो इसलिए हमने फिर नया चैप्टर चालू किया, दैट इज योर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा भी आएगा। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अच्छा, डेफिनेशंस वगैरह सब आपको साथ साथ लिखाते जाऊं या फिर आप मैनेज करोगे? मेरा मन है साथ साथ लिखते जाओगे तो अच्छा रहेगा, या फिर आप लोग खुद से लिखोगे होमवर्क में? कई बच्चे बोल रहे थे सर आप लिखा रहे नहीं हो कुछ, लिखने का काम करना है तो बता दो, वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। हमारा कोर्स वैसे ही बहुत अच्छी स्पीड पे चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कल हमने बात करी थी रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ लाइट क्या होता है, उसके बाद आपको बताऊंगा रिफ्लेक्शन। और ये तो हम सबको पता है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वजह से हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, लाइट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और यू कैन से इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच एनेबल अस टू सी द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, लाइट एक एनर्जी है, इसको एक एनर्जी की तरह ट्रीट करो। जब भी लाइट का नाम आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? दिस इज अ एनर्जी, एक एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हम दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं वो सब इसी एनर्जी की वजह से दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कल बात करी थी दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वन इज योर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड अनदर इज योर नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइट्स स्प्रेड करते हैं। हाँ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को एमिट करते हैं, है ना, जिन जो सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं जिनमें से लाइट निकलती है। ठीक है, तो सन जैसे हो गया, हमारा सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, तो सन इज ऑल्सो ल्यूमिनस बॉडी, आई कैन से दैट। नॉन ल्यूमिनस में किसका नाम लोगे आप? टेबल, चेयर। हाँ, टेबल, चेयर और जो भी तरह के ऑब्जेक्ट्स आप अपनी सराउंडिंग्स में देखते हो, ये सब नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वन इज योर ल्यूमिनस, अनदर इज योर नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, इतना तो हम सबको पता है, और लाइट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से चारों तरफ एनर्जी निकलती है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ निकल रही है एक तरफ नहीं निकल रही। अगर कोई ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस है तो उसमें से ऑल द साइड्स एनर्जी इज स्प्रेडिंग इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, तो जब भी ये एनर्जी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे पड़ती है जो नॉन ल्यूमिनस है, फॉर एग्जाम्पल आपका टेबल हो गया या फिर चेयर हो गया, जब भी ये एनर्जी किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो होता क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे जब आपकी एनर्जी पड़ती है तो दो प्रोसेस होते हैं। जैसे सपोज करो ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से आपकी एनर्जी निकल रही है, और जैसे ये टेबल पे गिरी तो इसके साथ दो फिनोमेना होंगे। एनर्जी मतलब लाइट को आप ऐसा ट्रीट करो, एक एनर्जी निकल रही है यहाँ से, दिस इज योर सोर्स, इसके चारों तरफ एनर्जी निकल रही है, हर तरफ एनर्जी है, ऐसा नहीं कि एक तरफ है, हर तरफ एनर्जी बिखरी हुई, तो सोर्स से एनर्जी हर तरफ निकल रही, सारी दिशाओं। ठीक है, अब जैसे ही वो एनर्जी आपकी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो उसके साथ दो प्रोसेस होते हैं। पहला तो कुछ एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो सपोज करो एनर्जी यहाँ पे फॉल हुई ई, तो कुछ अमाउंट आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, इसको मैं बोलूँगा रिफ्लेक्टेड एनर्जी, और कुछ अमाउंट आपकी एब्जॉर्ब हो गई।
एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो एनर्जी के साथ ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। ये जितने भी फिनोमेना आप सुनते हो ये सब साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। गजब बात तो ये है, जितने भी प्रोसेस आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो, ऑल द प्रोसेसेस आर अकरिंग साइमल्टेनियस। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक जगह पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, सब जगह पे सब कुछ हो रहा है, है ना, हर तरफ सारी चीज़ें हो रही। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग मान बैठते हैं कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन बोल, ठीक है। तो असली में अगर आप देखोगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो जितने भी प्रोसेस है वो सबके सब एक साथ अकर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट आपका एनर्जी का उस बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, कितना अमाउंट आपका उस एनर्जी का रिफ्लेक्ट हो गया, कितना अमाउंट आपका उस एनर्जी का रिफ्रैक्ट हो गया। लेकिन हमेशा जो भी अमाउंट है, टोटल एनर्जी विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कोई भी फिनोमेना आपके नेचर में हो रहा है, कोई भी फंडा आपके नेचर में हो रहा है, तो उसका एक ही प्रिंसिपल है कि एनर्जी का प्रिंसिपल हमेशा फॉलो होना चाहिए। एनर्जी को हम कभी क्रिएट भी नहीं कर सकते, एनर्जी को हम कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम फिनोमिना पढ़ेंगे दैट इज योर रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला जो फिनोमिना हम स्टडी करेंगे, सबसे पहला जो फिनोमिना हम स्टडी करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। पढ़ाया आपको एक एक करके जाता है, लेकिन पहले आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाएगा, फिर आपको रिफ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पढ़ाया आपको स्टेप बाय स्टेप जाएगा, लेकिन आप मान के चलिए कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये सराउंडिंग में एक साथ अकर हो रहे हैं। ये बच्चों को समझ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं सर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा। बेटा सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, नेचर में सब कुछ एक साथ चल रहा है। अब जैसे कोई ग्लास ऑफ वाटर है मेरे पास, मैंने एक पानी का ग्लास भर के रखा है और इस पे सन की रेज आ रही है दूर से, तो इसमें दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। देखो सन की रेज सपोज करो आ रही है ऊपर से, तो जो रेज आ रही है वो एनर्जी के फॉर्म में आ रही, तो कुछ एनर्जी जो आपकी है, कुछ रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और कुछ एनर्जी जो है, कुछ एनर्जी आपकी दूसरे मीडियम में चली जाएंगी, ठीक है। कुछ एनर्जी जो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ एनर्जी दूसरे मीडियम में चली जाएगी, ठीक है। हरे कृष्णा सर, सर क्लास के बाद, अभी क्लास में हो, क्लास के बाद बात आप फोन लगाता हूँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ आई, ये एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो गई, तो ये आपकी रिफ्रैक्टेड एनर्जी है, ठीक है, दिस इज योर रिफ्रैक्शन एंड दिस इज योर रिफ्लेक्शन, तो यहां से आपको एक चीज देखने को मिली कि जब आपकी लाइट रे सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है ना, व्हेन योर लाइट रे बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम देन इट इज नोन एज योर रिफ्लेक्शन, और जब आपकी लाइट रे किसी दूसरी मीडियम में चली जाती है देन दिस प्रोसेस इज नोन एज योर रिफ्रैक्शन, ठीक। प्रोसेस दोनों ही एक साथ हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, सराउंडिंग में आपके पास दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, दोनों प्रोसेस आपके साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आती है,
बहुत यस बढ़िया। सर। अब हम स्टडी करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट और रिटर्निंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट और रिटर्निंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के साथ देखो, अब हम रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। सपोज हमारे पास ऐसा एक सरफेस है, दिस इज योर पॉलिश सरफेस, ठीक है। अब पॉलिश सरफेस में क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन जो होता है वो 99.99% होता है, और रिफ्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है, दैट इज 0.01%। इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो पॉलिश सरफेस होता है उस पर आपका प्योर रिफ्लेक्शन होता है, जबकि हो दोनों प्रोसेस रहे साथ में, ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस होगा दूसरा नहीं होगा, लेकिन जो रिफ्रैक्शन का अमाउंट है दैट इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू योर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं कि दिस प्रोसेस इज नोन एज योर रिफ्लेक्शन। मैंने आपको कल भी बताया था, दोनों में से जो भी प्रोसेस आपका डोमिनेट करेगा, रिफ्लेक्शन में से और रिफ्रैक्शन में से, दोनों में से जो भी प्रोसेस आपका डोमिनेट करेगा वो प्रोसेस आपका कहलाएगा। अब यहाँ पे जब आपकी कोई रे इंसिडेंट हो रही है, सपोज दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर नॉर्मल एक्सिस, लाइन क्यों टेढ़ी बन रही, दिस इज योर नॉर्मल एक्सिस, चलो समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, तो ये लाइट की जो रे है रिफ्लेक्ट होके फिर से सेम मीडियम में आ गई। दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर नॉर्मल एक्सिस एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो आपका पॉलिश सरफेस है, एक्चुअली ये सरफेस है, तो मेरे को आपको इसको ऐसे शो करना चाहिए। यहाँ पे एक पॉलिश सरफेस है ना, थोड़ी थिकनेस में इसकी शो कर देता हूँ कि आपको लगे ऐसा कि सरफेस, लेकिन आप इमेजिन कर लो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 2D में सरफेस को एक लाइन की तरह ही शो किया जाता है, ठीक है। 2D में जब भी कोई सरफेस को शो करते हैं तो एक लाइन की तरह शो किया जाता है। तो आप इमेजिनेशन करो, ये जो सरफेस है, तो ऐसा नहीं है कि इस सरफेस में रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब ये सरफेस में भी लाइट जा रही है, अंदर भी जा रही है लाइट, लाइट की एनर्जी थोड़ी सी अंदर भी जा रही है, लेकिन कितनी जा रही, 0.01%, और 99.9% आपकी जो एनर्जी है इंसिडेंट रे की वो रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पे आपकी इंसिडेंस रे गिर रही है, दिस पॉइंट इज नोन एज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। दिस पॉइंट इज नोन एज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। This angle is known as your incidence angle, and this angle is known as your angle of reflection. ठीक है, so यहाँ पे कुछ definitions आपको आती है, what is incident ray, what is reflected ray, what is
इंसिडेंस एंगल, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो सिंपल सिंपल डेफिनेशन है. अब आप डायग्राम एक बार समझ गए तो खुद से आप डेफिनेशंस को बना सकते हो. देखो कैसे बनाओगे. अगर मुझे इंसिडेंट रे को डिफाइन करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये सरफेस कैसी है आपकी, और यू कैन से योर पॉलिश सरफेस. अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पॉलिश सरफेस, दिस इज योर इंसिडेंट रे. रिफ्लेक्टेड रे को डिफाइन करना है तो कैसे करोगे, अ रे ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द सेम मीडियम. देखो मीडियम की बात करूं तो यहां पे भी एयर है, इंसिडेंट रे के लिए भी एयर है और रिफ्लेक्टेड रे के लिए भी आपका मीडियम सेम विच इज एयर. सो द रिफ्लेक्टेड रे इज डिफाइंड एज द रे ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द सेम मीडियम. ठीक है. अब आपको बोला जाएगा डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एक्सिस. दिस इज योर नॉर्मल एक्सिस. अब आपको बोला जाएगा डिफाइन करो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो यू कैन से दैट द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एक्सिस. ठीक है. फिर आपको बोला जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड. दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सबको समझ आया ये पार्ट? यस सर. अब ये डेफिनेशंस आपको खुद से लिखना है कॉपी में. ठीक है. मैंने एक बार आपको बता दिया तो आपको खुद से डिफाइन करना है. इंसिडेंट रे आप डिफाइन करोगे, ये सब आप नोट्स में कंप्लीट करोगे. रिफ्लेक्टेड रे को आप डिफाइन करोगे. सेकेंडली यू हैव टू, फिर आप डिफाइन करोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो ये पांचों डेफिनेशंस आपकी कॉपी में आपको लिखना है. ठीक है. समझ गए? ओके सर. चलो ठीक है. चलो ये बात समझ आ गई. yes, बहुत बढ़िया. इसके अलावा एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस. रिफ्लेक्टेंस रिफ्लेक्टेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कितनी लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हुई, अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड अपॉन अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट. Amount of light incident on the surface. ठीक है. कितनी आपकी एनर्जी इंसिडेंट हुई और कितनी आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई. रिफ्लेक्टेंस को जनरली हम परसेंटेज में मेजर करते हैं. जनरली इट इज मेजर्ड इन परसेंटेज. सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टेंस होता है सिल्वर का. सिल्वर का जो रिफ्लेक्टेंस होता है दैट इज अबाउट 95%. और कोल का जो रिफ्लेक्टेंस होता है सबसे कम होता है दैट इज अबाउट ओनली 4%. ठीक है. कितनी ज्यादा एनर्जी आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है
उसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो ये जो पॉलिश सरफेस है आपका, अगर मैं यहाँ पे सिल्वर का पेपर लगा दूं तो इसका रिफ्लेक्टेंस हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी का जो रेशियो आपको मिलेगा परसेंटेज में, दैट इज़ योर 95%। ठीक है, समझ आ रही है आपको? यस सर। चलो। यस सर। ठीक है, इसके बाद कुछ होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, हमने रिफ्लेक्शन देखा तो इसके कुछ लॉज भी होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है हर जगह। तो पहला लॉ तो ये है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब सपोज करो आपका सरफेस है, जितने एंगल पे आपकी लाइट आएगी नॉर्मल के साथ, सपोज 30 डिग्री पे आ रही है तो 30 डिग्री पे ही आपकी लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ आ रही है? जितना आपका एंगल ऑफ आई होगा उतना आपका एंगल ऑफ आर होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ आपको समझने के लिए थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। सेकेंड लॉ सेज दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड योर नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है आप देखो, अगर आप ये तीनों रेस को थोड़ा इमेजिनेशन करोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बेटा अब आपका इमेजिनेशन वाला पार्ट है, इधर बड़े ध्यान से इस डायग्राम को देखना, जरा सा भी चूकना नहीं। ये आपकी तीन रेज है, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी नॉर्मल रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब इन तीनों रेस को आप यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ पे अपनी आंखों को रखोगे और यहां से इसको देखोगे, जब आप इसको यहां से देखोगे तो तीनों रेज आपको सेम प्लेन में दिखाई देगी। तीनों रेज आपको सेम प्लेन में दिखाई देगी। यहां पे एक प्लेन इमेजिन करो, मतलब आप जब यहां से देखोगे ना तो ये तीनों कोइंसाइड हो जाएगी एक के ऊपर एक, ऐसा आपको कुछ दिखाई दे। तब आपको ये अलग अलग नहीं दिखाई देगी। जब आप इसको इस एंगल से देखोगे, ये तो आपको तब दिख रही जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हो, ये फ्रंट व्यू। जब आप इसको साइड व्यू में देखोगे तो ये तीनों रे आपको एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट दिखाई देगी। ठीक है, मतलब ये एक ही प्लेन में लाई करेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे? थोड़ा इमेजिनेशन करोगे तो समझ आएगा। चलो, आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा तो सब लोग मेरे साथ क्या करो, तीन पेन निकालो सब लोग। पेन सबके पास है? पेन और पेंसिल तो सबके पास रहती है। यस, सब लोग थ्री पेन्स निकालेंगे, निकालो सब लोग। अभी आपको बताता हूँ, ये पॉइंट इमेजिनेशन का है। सब लोग तीन पेन निकालोगे, अपने हाथ में तीन पेन को पकड़ो, निकाला सबने? यस सर। सब लोग निकालो बेटा, तभी आपको पॉइंट समझ आएगा, नहीं तो ऐसे हवा में ऊपर से निकल जाएगा और बोलोगे बेटा सर ने पढ़ाया हमें समझ ही नहीं आया। इस पॉइंट पे थोड़ा आपको इमेजिनेशन जरूरी है। तीनों सेम प्लेन में लाई करेगी, कैसे हम दिखाएंगे देखो। आप देखो, मैं भी आपके सामने कैमरा ऑन कर रहा हूँ, आपको तीनों चीज़ें दिखनी चाहिए। ठीक है, विजिबल है क्या? देखो, सबको मेरा चेहरा विजिबल है क्या? है बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो, मेरे पास ऐसी तीन रंग बिरंगी स्केच पेन्स हैं, ये सबको दिख रही है? यस सर। अब देखो, ये दो आपकी इंसिडेंट रे हो गई
और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई और बीच में आपकी नॉर्मल रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। अभी आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको ये तीन अलग अलग दिखाई दे रही। अब आप इसको यहाँ से देखोगे, ये एंगल से देखो, तो देखो आपको खाली ऑरेंज वाली दिखाई देगी, ब्लू वाली नहीं दिखाई देगी, एग्जैक्ट इसके ऊपर कोइंसाइड हो जाएगी। देख रहे हो, मैंने थोड़ा पकड़ा ऐसे। बाकी अब इसको ध्यान से देखो, इस एंगल से देखोगे ना तो आपको सिर्फ ऑरेंज वाली दिखाई देगी, ब्लू और रेड नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब मैं इसको ऐसे टिल्ट करूंगा तो आपको तीनों दिखाई देगी, ऐसे करूंगा तो आपको सिर्फ एक ही दिखाई देगी। मतलब ये तीनों ये वाले प्लेन पे लाई कर रही है। देखो ये जो प्लेन है, यहाँ से एक प्लेन जा रहा है, मेरा हाथ है, देखो ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, इस वाले प्लेन पे, ऐसे, ठीक है। अब समझ आया सबको? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। यस सर। तो ये तीनों जो है एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये दो लॉज आपको पता चल गए। फर्स्ट लॉ इज दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंड सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन व्हेन यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस साइड। तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। चलो ये दो लॉज आपको बता दिए रिफ्लेक्शन के। इसके अलावा क्या होता है रिफ्लेक्शन में? अच्छा, हमें ये सारी कहानी समझ आ गई ना। अच्छा, सपोज करो हमारा ऐसा सरफेस है और इंसिडेंट रे आपकी ऐसे आ रही है, अब इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है नॉर्मली, तो आप में से कोई बता सकता है इसमें रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? दिस इज योर इंसिडेंट। क्यों नॉर्मली? क्यों नॉर्मली जाएगी? क्योंकि नॉर्मल पे से जा रही है, तो नॉर्मल बने। हाउ कैन यू प्रूव दैट कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मली ऊपर चली जाएगी? क्यों, क्या रीजन है? हाउ कैन यू प्रूव दैट? क्योंकि वो रे नॉर्मल पे जा रही है। नॉर्मल पे तो जा रही है। हाँ बेटा, रिफ्लेक्टेड सरफेस है इसलिए। अच्छा, रिफ्लेक्टेड नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। सर देखो, हमको अगर प्रूव करना है तो हम वही वो लो ले सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 90 डिग्री है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया इसने बेटा। क्या नाम है बेटा तेरा? टीशा। टीशा रामी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो बेटा, अगर आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मली फॉल कर रही है, इसका मतलब आपकी नॉर्मल रे तो नॉर्मल ही होती है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे एक ही पे आ गई, इसका मतलब आपका एंगल कितना बन रहा है इसके साथ, नॉर्मल रे के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है? जीरो बन रहा है। तो नॉर्मल रे के साथ जब इंसिडेंट रे का एंगल जीरो बन रहा है, तो नॉर्मल रे के साथ रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल कितना बनना चाहिए? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो बनना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। If angle I is 0 degree, then angle R will be also 0 degree. तो इसीलिए आपकी जो reflected ray है वो सीधा bounce back होके ऊपर चली जाएगी। समझ आया? Yes, sir. और यही ray आपकी yes, किसी angle पे आ रही होती, theta angle पे, तो वो theta angle पे वापस reflect होके चली जाती। अगर theta angle पे आती तो theta angle पे चली जाती, लेकिन अब थीटा जब आपका जीरो हो जाएगा, जब आप रे को ऐसे घुमाओगे क्लॉकवाइज, तो ये एंगल आपका जीरो हो जाएगा, तो ये वाली रे भी आपकी ऐसे घूम जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। इतनी मज़ेदार बात है कि जब मैं इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, एंगल मतलब डिक्रीज करते जा रहा हूँ, इफ़ आई एम डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी डिक्रीज होते जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका डिक्रीज होते जाएगा। मतलब इंसिडेंट रे को जब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट हो जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका थीटा जीरो हो जाएगा, तो दोनों रे एक ही पे लाई कर जाएगी। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस सर।
बहुत बढ़िया, तो ये काफी अच्छा कंसेप्ट है, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार एग्जाम। अब सपोज करो हमारा सरफेस फ्लैट नहीं है, अभी तक हम फ्लैट सरफेस की बात करते थे, सपोज करो हमारा सरफेस इस तरह का कर्वेचर वाला है कुछ, और इस पे हमारी लाइट फॉल कर रही है, तो क्या इस पे भी हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा? यस है बेटा, लाइट ऐसे फॉल कर रही है, होगा ना इस पे भी? यस सर होगा, बिल्कुल होगा। यस सर, ये हमारी नॉर्मल रे हो जाएगी, ये हमारे इंसिडेंट रे, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है। अब सपोज करो सरफेस मेरा ऐसा है, इस तरह का सरफेस, क्या यहां पे भी फॉलो होगा? होगा। सपोज करो लाइट ऐसे गिर रही है, नॉर्मल कैसे बनाओगे? कहने का मतलब ये है, लॉ तो फॉलो होगा, वेरी गुड, लॉ तो लॉ होता है सब जगह फॉलो। अब यहाँ पे आप नॉर्मल कैसे बनाओगे इस पॉइंट पे? इंसिडेंट रे सपोज करो आपको मैंने ऐसे दे दी, तो अब नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे? हाउ विल यू ड्रॉ द नॉर्मल लाइन? सर वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वहां पर टेंजेंट बनाएंगे, फिर वहां से 90 डिग्री पे नॉर्मल बनाने। बिल्कुल सही जवाब, किसने बोला ये? क्रीना चौधरी। क्रीना चौधरी, वेरी गुड। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप सबसे पहले एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करोगे, और टेंजेंट के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करोगे, दिस लाइन विल बी योर नॉर्मल लाइन। अब आप एंगल मेजर करोगे, जितना एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का होगा उतना ही एंगल आपका रिफ्लेक्टेड रे का होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको इक्वल बना दोगे, इससे दोनों एंगल्स आपके सेम लगे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी ऐसे चली जाएगी। समझ आया आपको? इस तरह से आप किसी भी पॉइंट पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सपोज करो इस पॉइंट पे मुझे इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, इस पॉइंट पे सबसे पहले एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, फिर उसके लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और जैसे इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम एंगल पे चली जाएगी, योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड। तो आप किसी भी पॉइंट्स पे आप इस लॉ को सेटिस्फाई करा सकते हो। यहां तक सब क्लियर हो? सबको लॉ समझ आ गए दोनों लॉ? Yes, बहुत बढ़िया। चलो आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं, सब लोग नोट्स तैयार कर लेना अच्छे से, है ना, वीडियो में से देख के नोट्स वगैरह अपने बहुत बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना। ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय सर। सर कल जो हमें जोसेफ सर ने भेजा था ना सिलेबस, हाँ बेटा, तो उसमें ना हमको 10, 11 और 12 चैप्टर का सिलेबस मिला था कि ये वाला सेमेस्टर वाले एग्जाम में आएगा ऐसा। अच्छा, तो 10 चैप्टर कौन सा है आपका? ये वाला जो आप पढ़ा रहे हैं, रिफ्लेक्शन का। और 11 कौन सा है? 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और 12 कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, मतलब इसके हिसाब से हमें दो चैप्टर कवर करने हैं, ये और ये। नहीं तो वो तो मैं बात कर लूंगा एक बार सर से, बोल दूंगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी रखो फिजिक्स में खाली, ठीक है? ओके सर, है ना, थैंक यू सर, क्योंकि ये दो चैप्टर सभी थोड़ी हमारे इतनी जल्दी कवर हो जाएंगे, है ना। हाँ सर। और आपका एग्जाम का डेट कब है? सेकेंड नवंबर। 2nd नवंबर। अच्छा, 2nd नवंबर तक हम लाइट वाला चैप्टर तो शायद कवर कर ही लेंगे, है ना, लाइट वाला देखते हैं कितना कवर होता है। इलेक्ट्रिसिटी रखना। लेकिन फिर हम इलेक्ट्रिसिटी रखेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा स्लो कोर्स हो जाएगा तो बच्चों को दिक्कत होगी। ये आप तैयार कर लोगे, दो चैप्टर कर लोगे आप तैयार इतनी जल्दी?
चलो एक बार मैं बात करता हूँ, खाली इलेक्ट्रिसिटी मैं करवा देता हूँ, ठीक है? आपका इलेक्ट्रिसिटी सही रहेगा, ठीक है बेटा? और जिनको लगता है हमें ज़्यादा पढ़ना है तो मेरे को बता देना, फिर मैं आपका कोर्स सिलेबस एक्सटेंड करवा दूँगा। आप लोग आपस में डिसाइड कर लेना एक बार, ठीक है? चलो ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।